Meghalaya, the land of clouds and abundant nature. It has managed to truly touch my soul. So come join me in this three-part series as I take you to this enchanting place. Day 3. आज हम लोग जाएंगे डाउकी रिवर, जो है एकदम इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर में है। बहुत ही क्लियर पानी है, लेकिन हम लोग थोड़ा देर लेट निकले बिकॉज धूप नहीं आएगा तो उसका पानी का क्लियरिटी पता नहीं चलता है, तो इसलिए थोड़ा लेट निकले हम लोग आज। तो पहुंच गए हम लोग डाउकी रिवर का स्पॉट। हम लोग ने गाड़ी ऊपर रोड में मेन रोड में खड़ी किया, थोड़ा सा सीढ़ी से नीचे उतर के आना पड़ता है। ये देखिए डाउकी रिवर मेरे पीछे। अभी पानी बहुत कम हो गया है, पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था फैमिली के साथ कुछ 2-3 साल पहले, तो पानी यहाँ तक आया करता था, समर में आया था, लेकिन अभी विंटर में पानी कम हो गया है, पीछे चला गया है। पे वो जो बोट खड़ी है वो बांग्लादेश बॉर्डर है, तो ये इंडिया का बॉर्डर है। देखो जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो उस तरफ बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पे मिलिट्री वॉच टावर्स है, इधर भी मिलिट्री का बैरक्स है। तो हम लोगों को वो जो जवान खड़ा है उसके उस पार नहीं जाने देंगे क्योंकि वो बांग्लादेश बॉर्डर है। अभी तो बस शुरुआत है, ये तो मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टूरिस्टी एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ से बोट लेके, अभी बोट का ऑफिस जो खुल गया है, तो यहाँ से हम लोग बोट लेके, बोट से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हो पानी अभी दिख रहा है, आप देख सकते हो अभी रिवर बेड, बिकॉज अभी धूप निकल गया है तो अभी रिवर बेड देख सकते हो। ये देखो बोट जा रहा है और देखो उसका शेडो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। कैसे, कौन सा बोट है? हम लोग का बोटिंग का ट्रिप हो गया डॉकी का। अभी क्राउड भी बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, देख सकते हो मेरे पीछे। अभी टाइम हो गया यहाँ से भागने का। जो आप देख रहे हो एक आइलैंड जैसा, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हम लोग थे वहाँ पे, वहाँ से हम लोग बोटिंग किया था। पता नहीं मैं ठीक से पॉइंट कर रहा हूँ कि नहीं, वहाँ पे बीच में से देख सकते हो, लीव्स का बीच में से। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी लेके हम लोग ये रोड से होके हम लोग आए, ये जो ब्रिज है ये ब्रिज क्रॉस करके हम लोग आए। सामने रोड ब्लॉक है बिकॉज अभी सामने रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसीलिए पूरा गाड़ी रुका हुआ है, तो ट्रक गाड़ी सब रुका हुआ है। लेकिन हम लोग आके रुक गए एक अच्छा सा लोकेशन में, बहुत ही सही जगह पर हम लोग रुके, अच्छा स्पॉट है। कुछ सीढ़ियों से नीचे तक जाता है, तो मैं सोचा कि चलो एक बार जाके देख लेते हैं नीचे क्या है।
पान और सुपारी का प्लांटेशन है। हर सुपारी का ट्री में एक एक ये पान का भी प्लांट है। तो यहाँ से हम लोग पान तोड़ेंगे और पान खाएंगे। ये तीन पत्ता धो लिया है। अब भी पान खा लो। बुरा ताजे पान, पान। नहीं क्या पान था वो, लेकिन पान खाने के बाद हम लोग का एकदम कान वान गर्म हो गया। एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पान था एकदम। हम लोग आ गए नोहवेट। अभी हम लोग आ गए नोहवेट। एक छोटा सा गांव है कुछ ही किलोमीटर फ्रॉम माओलांग लॉन्ग। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर आगे होगा माओलांग लॉन्ग से। और बहुत ही छोटा प्यारा सा गांव है, बहुत साफ है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नोहवेट व्यू पॉइंट। बच्चे लोग ओरियो को देख के एक्साइटेड हो गया, ओरियो के साथ खेल रहे। देखो व्यू पॉइंट एंड ये देखो हम लोग आ गए नोहवेट व्यू पॉइंट। अमेजिंग लोकेशन। वाओ क्या सही जगह। वहां पे देख सकते हो बांग्लादेश, पूरा वैली दिख सकता है यहाँ से। क्या मस्त आइडिया है जिसने भी बनाया ये ट्री हाउस या प्लेटफॉर्म। एकदम ट्री के ऊपर बनाया एक प्लेटफॉर्म, ऑल बैम्बू से बनाया है। और यहाँ से आप पूरा वैली का व्यू मिलता है आपको। नीचे से वही नदी जहाँ पे हम लोग ने बोटिंग किया। नोहवेट का व्यू पॉइंट बहुत सही जगह है। फुल बैम्बू से बनाया है, 2 प्लेटफॉर्म, एक नीचे है एक ऊपर, एक ट्री हाउस जैसा बनाया है। और यहाँ से पूरा वैली का व्यू मिलता है। चलो अंदर जाके दिखाता हूँ मैं। देखो एक छोटा सा ट्री हाउस है, बड़ा कुछ फैंसी है वैसा कुछ है नहीं। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। बहुत ही सही व्यू है यार, बहुत ही सही व्यू है। सिर्फ 3 लोग ने मिलकर ये पूरा एरिया बनाया है। ट्री हाउसेस, जो स्टेयर्स है, जो प्लेटफॉर्म है, जो बैम्बू काट के इतने सारे इतना सब कुछ बनाया, सिर्फ 3 लोग ने मिल के बनाया। देखो सुष्मिता मैडम भी गुस्से पे, अभी गुस्सा कर रही है क्योंकि उसको मैंने संतरे खरीद के नहीं दिया, ऑरेंजेस। उसको ऑरेंजेस बहुत पसंद है और ऑरेंज मैंने खरीद के नहीं दिया। तो अभी हम लोग पहले ऑरेंज खरीदेंगे, उसके बाद गाड़ी लेके चेरापूंजी। तो अभी हम लोग चेरापूंजी के लिए निकल रहे हैं। चेरापूंजी यहाँ से कुछ 79 किलोमीटर्स है, मतलब 79 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में हम लोग को 2.5 घंटे लगेगा। 2.5 घंटा मतलब आप सोच सकते हो कितना गंदा रास्ता होगा और साथ ही बहुत अंधेरा भी हो जाएगा। बिकॉज अभी 2.5 घंटा मतलब अभी सिर्फ 4:30 हुआ है, तो मतलब पहुँचते कम से कम 7 तो बज ही जाएगा। हो गया है अभी 7:30 हो गया है ऑलरेडी, लेकिन अभी तक हम लोग चेरापूंजी पहुँचे नहीं। और रास्ता में काफ़ी फॉग है तो इसीलिए थोड़ा चलाने के लिए प्रॉब्लम भी हो रहा है। फिर हम लोगों को जाके चेरापूंजी में होटल भी देखना है, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी इतना लेट हो गया। तो पहाड़ी की तरफ जो भी टाउन्स होता है वह बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो 8 बजे तक तो मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा शायद। जाके देखते हैं 8 बजे तक होटल्स कुछ खुला मिलेगा क्या नहीं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे सामने, बहुत सारे रिजॉर्ट्स तो है
यहाँ पे एक रिजॉर्ट है लाख ऊपर, और ये हो गया ग्रीन वैली। तो हम लोग ग्रीन वैली में जाके इंक्वायरी करते हैं, और अगर यहाँ पे मिल जाता है तो यहीं पे रूम ले लेंगे। और पीछे कोई तो एक शादी भी हो रहा है, तो शादी में जाके हम लोग खा भी लेंगे। फाइनली मिल गया होटल, सिर्फ 1200 रुपये में मिल गया। होटल का कंडीशन तो, रूम का कंडीशन बहुत तो अच्छा नहीं है, लेकिन नाइट स्पेंड करने के लिए ठीक है, चलेगा, सस्ता वाला है। देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, तो साइलेंसर पाइप जैसे धुआं निकल रहा है।